कारण से माहौल पूरा बिगड़ा है। ये जम्मू कश्मीर की डीजीपी का बयान है, इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि उन्हें एक बार आंकड़े उठा के देखने चाहिए। कई सारे ऐसे पकड़े गए आतंकवादी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा सदस्यता ले रखी थी, वो कहेंगे तो मैं उन्हें डिटेल भेज दूंगा। आखिरी सवाल आपसे, एक बयान राजस्थान के एक मंत्री ने दिया और कहा पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर सरकार को सोचना चाहिए और जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं उनको उनको जो स्कीम्स हैं और जो और सब चीजें हैं उनसे उनसे उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, उनसे महरूम कर दिया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो मंत्री हैं उनको अपने केंद्रीय मंत्री पूर्व के जो पिछली सरकार थी, जो अभी बदल के केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री दूसरे हो गए हैं, 2023 में मनसुख मंडाविया जी का राज्यसभा का एक स्टेटमेंट उनको सुनना चाहिए। थोड़ा पढ़ें लिखें, ये जो आरोपों की राजनीति है इससे बाहर आए। पिछले 3.5 महीने में जो पर्ची वाली सरकार है राजस्थान में वो कुछ कर पा नहीं रही है, सिर्फ राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल हुई है, स्वास्थ्य की स्थिति ये हो गई है कि 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना थी वो उसको आपने डस्टबिन में डाल दिया, जनता परेशान है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार नफरत बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार पूरी तरह से विफल है, पर्ची फट चुकी है। तो इस तरह के शोषे उछाल करके आप जो राजनीति करना चाहते हैं राजस्थान उसे बखूबी समझता है, और आप सबसे पहले अपने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का स्टेटमेंट सुने, पढ़ें 2023 का जो राज्यसभा में उन्होंने दिया। आखिरी सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी आपका ताल्लुक है, बीजेपी ने मंथन किया हार का अपनी, हार के मंथन के बाद ये निकली बात, उसमें विपक्ष को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को तो कहा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, समाजवादी पार्टी को नसीहत तक दी कि आप लोगों को खत्म कर देंगे, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कांग्रेस करती आई है और मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर ही राहुल गांधी आते हैं। देखिए, मैंने तो सुना है कि जब भी कोई मंथन होता है तो विष निकलता है, वो विष कौन पिएगा, भाजपा का राज्य नेतृत्व या केंद्र का नेतृत्व? भाजपा पहले यह तय करे कि उस मंथन से जो विष निकला है उसको पिएगा कौन। लेकिन आप इसको जो समाजवादी पार्टी को नसीहत दी जा रही है इस बात की कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती है, आप लोगों को खत्म कर देगी, और जो जितनी भी रीजनल पार्टियां पहले रही हैं उन सबको हमेशा कांग्रेस पार्टी खत्म करती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र बताती है इस तरह के कार्यक्रमों में। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शिवसेना को तोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने एनसीपी को तोड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी जो बीच में जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने जा रही थी और जिसकी वजह से नीतीश जी ने पाला बदला था, इतिहास भरा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का, विधायकों को खरीदने का, लोकतंत्र को लूटने का। वो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इंडिया गठबंधन की एकजुटता से बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी, खुद 38 दलों का गठबंधन करने वाला एनडीए वो इंडिया गठबंधन से बहुत परेशान है, अपनी विचारधारा से बिल्कुल इतर के लोगों को बुला करके अपने एनडीए का हिस्सा बनाने वाला एनडीए बहुत परेशान है इंडिया गठबंधन की एकजुटता से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसी इंडिया गठबंधन ने धूल चटाई है। तो हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप इसी तरह मंथन करते रहिए, हम 2027 से पहले जो उपचुनाव आने जा रहा है उसमें भी इंडिया गठबंधन आपको हराएगा और 2027 के आम चुनाव में भी, विधानसभा में भी, इंडिया गठबंधन आपको हराएगा।